अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की न्यू वीडियो और न्यू टॉपिक के साथ इन्फॉर्मेटिव डेस्क में आपको वेलकम करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, मैं आजकल जो वीडियो बना रहा हूँ वो चैनल की ग्रोथ के हवाले से और चैनल को प्रमोट करने के हवाले से बना रहा हूँ कि कैसे आप अपने चैनल की ग्रोथ कर सकते हैं और इसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं और अपना चैनल बनाना चाह रहे हैं तो आप पिछली तमाम वीडियोस देख के अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, और कैसे उसको प्रमोट करना है उनको आप देख के प्रमोट कर सकते हैं। तो आज की भी जो वीडियो है बेसिकली वो चैनल को की ग्रोथ के हवाले से है, कैसे इसकी ग्रोथ करनी है हमने ट्यूब बॉडी से, यानी कि ट्यूब बॉडी हमारे चैनल की ग्रोथ करने में कैसे हमारी मदद करती है वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा। कैसे उसको इंस्टॉल करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, ये सब आपको मैं आज की इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि मेरी तमाम मालूमाती वीडियो अब तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं बात कर रहा था ट्यूब बॉडी की। तो ट्यूब बॉडी बेसिकली है क्या? ट्यूब बॉडी एक क्रोम की एक्सटेंशन है जिसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे यूट्यूब चैनल पर आ जाएगी। तो यूट्यूब चैनल से हम जब ट्यूब बॉडी के ज़रिए वीडियो अपलोड करेंगे, वो मैं आपको अभी सब दिखा देता हूँ, तो ये हमें जो वीडियो है वो हम जो इसका सबटाइटल रखेंगे उसके सबटाइटल के हमें वो टैग देगी ट्यूब बॉडी, यानी कि हमें 3 से 4 टैग्स एक्स्ट्रा देगी ट्यूब बॉडी हमारी वीडियो का, जो भी हम सबटाइटल रखेंगे उस वीडियो का। तो उसके हवाले से जो हमें 3-4 टैग देगी, कोई भी बंदा यानी कि यूट्यूब के ऊपर आपकी वीडियो की सर्च करता है उन टैग्स के नाम से, यानी कि हम अपना टैग रखते हैं ऑनलाइन अर्निंग का, तो हमें यूट्यूब बॉडी इसके 3-4 और टैग दे देगी। ये कोई भी बंदा उस वर्डिंग से सर्च करेगा, 3-4 वर्डिंग से सर्च करेगा तो हमारी वीडियो उसके पास चली जाएगी सबसे सामने। तो चलिए हम उसको यूज़ करके आपको दिखाते हैं कि ये कैसे टैग्स आते हैं और कैसे इसकी सेटिंग होती है। तो आपने क्या करना है, आपने जाना है अपने गूगल क्रोम पे और वहाँ पे आपने लिखना है वेब सर्च। ये पहले नंबर पर ही आ गया है वेब सर्च। वेब सर्च से आपने जाना है फर्स्ट नंबर पर, ये क्रोम वेब स्टोर आएगा, क्रोम वेब स्टोर एक्सटेंशन है, आपने इसको ओपन कर लेना है। तो इसको ओपन करते ही हमारे पास एक सर्च बार आएगा इस तरह का। आपने क्या करना है, सर्च बार के अंदर लिखना है ट्यूब बॉडी। ये ट्यूब बॉडी आ गई, आपने सर्च करना है तो आपके सामने इस तरह का कोई आइकन आएगा, ये इस तरह की ऐप आएगी। आपने क्या करना है, इसको ऐड टू क्रोम कर लेना है। तो ऐड टू क्रोम करेंगे तो आपके पास ये पेज आएगा ऐड एक्सटेंशन का, आपने क्या करना है, इसको ऐड एक्सटेंशन कर लेना है। तो ऐड एक्सटेंशन जब करेंगे तो ये ट्यूब बॉडी आपके जो क्रोम के अंदर ऐड होने लग गई है, यानी ये चेकिंग चलने लग गई है। जब ये चेकिंग कंप्लीट होगी तो यहाँ आपकी ट्यूब गाड़ी के ऊपर एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। ये चेकिंग चलती है तकरीबन 10 से 15 सेकेंड, या ये डिपेंड करती है आपके नेट की स्पीड पर, कितनी आपकी नेट की स्पीड है, और ये उतनी देर में ये पूरी हो जाएगी। तो इस दौरान आपने क्या करना है, आपने अपना ये एडिट हो गई है, ये ऑप्शन आ गया है, ये देखिए ये ग्रीन कलर का आपके पास लोगो आ गया एडिट का। तो आपने क्या करना है, इस दौरान अपना चैनल ओपन कर लेना है, चैनल लॉगिन करके रखना है आपने। ये मेरा चैनल नहीं है बेसिकली, ये मैंने एक और नेम से ऐड किया है ताकि आपको सेटिंग दिखाने के लिए। तो आपने क्या करना है, चैनल के अंदर जाके यूट्यूब स्टूडियो के ऊपर जाना है। यूट्यूब स्टूडियो के ऊपर आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है ट्यूब बॉडी साइन इन का, आपने क्या करना है, यहाँ से आपने साइन इन हो जाना है, और ये साइन इन यूट्यूब। यहाँ पे आपसे ये अकाउंट मांग रही है, यानी कि आप जॉन साहब का अकाउंट है जिस यूट्यूब चैनल का, वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। और इसको आपने अलाउ कर देना है। तो ये दोस्तों आपके चैनल पे ट्यूब बॉडी जो है ऐड हो गई है। तो यहाँ पे अब कोई साइन इन का ऑप्शन नहीं आ रहा। यहाँ से आपने क्या करना है, इसको क्रिएट करना है, यानी वीडियो अपलोड करनी है। यहाँ से हम वीडियो अपलोड करके आपको दिखाएंगे ताकि टैग्स की समझ आ जाए आपको। तो सेलेक्ट फाइल, कोई भी वीडियो मैं अपलोड आपको करके दिखा रहा हूँ, मतलब सिर्फ ये आपको बताने के लिए है। चलिए मैं आपको ये अपलोड करके दिखा देता हूँ। ये वीडियो अपलोड होने लग गई है। तो ये इसका टाइटल था वीडियो का, हाउ टू अर्न मनी
ऑनलाइन फाइव बेस्ट वे, यानी कि ये एक वीडियो पड़ी हुई थी मेरे पास, तो मैंने इसको अपलोड किया। यहाँ से ये आप थंबनेल भी जो ऐड कर सकते हैं, यानी कि अपने जो वीडियो के ऊपर आइकन लगाना है वो भी यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं ट्यूबबडी से। तो बेसिकली आज मैं बता रहा था आपको टैग्स का। तो ये क्या करना है आपने, यहाँ से आप अपने नॉट फॉर किड्स यानी कि अपनी वीडियो को ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये किड्स के लिए है या नॉट फॉर किड्स है। यहाँ से आपने क्लिक करना है मोर ऑप्शन पे। तो मोर ऑप्शन के पे आपके पास आ जाएगा ये टैग्स का ऑप्शन है, ये टैग्स का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से आपने क्या करना है, टैग्स चूज़ कर लेना है, यानी कि जो टैग वो जो हमारा टाइटल है वो ही हमारा टैग है फर्स्ट। तो आपने क्या करना है, अपना टैग्स चूज़ करना है, यानी मेक मनी ऑनलाइन, ये हमें एक और टैग दे रहा है, एक मेन मनी ऑनलाइन, एक ये टैग दे रहा है मेक मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, यानी ये तीन टैग जो है ये हमें ट्यूबबडी अपने पास दे रही है। आपने क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है। एक ये टैग ऐड हो गया और दूसरा ये ऐड हो गया और तीसरा, तीनों टैग ये ऐड हो गए। ये तीनों टैग हमने ऐड कर लिए, यानी अब जो कोई भी बंदा इन तीनों टैग से, एक ये और चौथा हमारे सब टाइटल से सर्च करेगा तो हमारी जो वीडियो है उसके पास पहुंच जाएगी सबसे ऊपर। एक ये सब टाइटल है, इससे और इन टैग से जो भी बंदा सर्च करेगा वो हमारी वीडियो उसके पास पहुंच जाएगी सर्चिंग में। तो आपने क्या, ये टैग करके यहाँ से नेक्स्ट आपने सेव करते जाना है। और ये डन हो गया, यानी ये पब्लिश नाउ दे रही है फॉर पब्लिक। अब मैं इसे पब्लिश नहीं करना चाह रहा, ये वैसी सेटिंग आपको बता रहा था, तो इसको मैं पब्लिश नहीं करना चाह रहा, तो इसलिए जो है ना मैं इसको पब्लिश नहीं करूँगा, इसलिए मैं क्रॉस कर देता हूँ यहाँ तक। ये दोस्तों ये इसकी ट्यूबबडी की एक्सटेंशन थी और इसे आपने ऐसे सेटिंग करनी है और ऐसे इसको यूज़ करना है। तो आज तक की वीडियो इतनी ही थी, देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।